सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज जो हम बात करने वाले हैं पीएसएल के 10वें मुकाबले कोटा ग्लेडियर्स वर्सेस लाहौर कलंडर के बीच होने वाले मैच के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार मैं आपको पीएसएल T20 2023 के बारे में बता रहा हूँ और जिन जिन प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ लगातार वो प्लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं और हमारे जो व्यूवर्स हैं ना भाई वो अच्छा खासा जीत रहे हैं और बड़ी खुशी होती है जब हमारे व्यूवर्स अच्छा खासा जीतते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई इस वाले मैच में क्या होने वाला है, कौन कौन से बैट्समैन परफॉर्म करने वाले, ऑलराउंडर में कौन कौन से ऑलराउंडर को लेना है ताकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करते नजर आए, साथ में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इस वाले पिच पे इन दोनों टीमों के बीच से अच्छा खासा विकेट निकालने वाले, सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें क्योंकि आपका लाइक भाई को मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई क्या कुछ होने वाला है। कोटा ग्लेडियर्स वर्सेस लाहौर कलंदर पीएसएल T20 10वां मैच होने वाला है और ये जो मैच होने वाला है ना वेन्यू जो है ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में होने वाला है और वेदर की बात करें तो फ्यू क्लाउड थोड़ी बहुत मतलब बादल छाए रहेंगे, वही टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, मतलब तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने वाला है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें ना इस वाले ग्राउंड पे तो 180 के आसपास का एवरेज स्कोर होता है, वहीं फर्स्ट इनिंग की अगर बात की जाए तो 184 के आसपास का स्कोर होते दिखता है। अगर बात कर ले कि भाई बिहेवियर क्या कुछ कहता है तो पिच पूरी तरह से बैटिंग पिच है और बेस्ट सूट फॉर पेसर्स है, मतलब स्टेडियम पे बॉलर्स में स्पिनर्स और फास्टर्स में सबसे ज्यादा सपोर्ट पेसर्स को मिलने वाला है। वहीं अगर टॉस विनिंग की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने वाली टीम पहले टॉस जीत करके बॉलिंग करना पसंद करती है और चेस करते हुए मैच जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो पिच बिहेवियर थे, अब देख लेते हैं कि इस वाले पिच पे लास्ट के जो 5 मैचेस खेले गए उसमें क्या कुछ हुआ है और ग्राउंड की स्टैटिक्स क्या कुछ कह रही है। इस वाले वेन्यू पे अगर लास्ट 4 T20 मैचेस देखे जाए तो 2023 पाकिस्तान सुपर लीग का 9 मैच खेला हो जा चुका है जिसमें कि 4 मैचेस इसी वाले स्टेडियम पे खेला गया है। तो इस वाले जो स्टेडियम पे जो मैचेस खेले गए ना उस मैचेस की अगर बात की जाए तो पेशावर्स और कराची के बीच खेला गया था जिसमें पेशावर्स ने 199 5 विकेट के नुकसान पे बनाया था, तो वहीं कराची ने 197 5 विकेट के नुकसान पे बनाया। इस वाले मैच को पेशावर्स ने जीत लिया, वहीं इस्लामाबाद सेकंड वाले मैच में थी कराची के साथ तो इस्लामाबाद ने 178 6 विकेट के नुकसान पे बनाया था तो कराची ने 173 7 विकेट के नुकसान पे बनाया था। वहीं कोटा ग्लेडियर्स इस वाले स्टेडियम पे 168 7 विकेट के नुकसान पे बनाई तो कराची ने 162 5 विकेट के नुकसान पे बनाई। लाहौर की अगर बात की जाए तो 118 10 पे बनाई थी और कराची पहले बैटिंग करते 185 5 पे बनाई थी। तो भाई अब इस वाला जो ये वाला जो मैच है ना इम्पोर्टेंट क्या है कि कोटा ग्लेडियर्स वर्सेस लाहौर के बीच मैच खेला जाने वाला है सेम पिच पे, और इस पर अगर स्कोर देखा जाए ना तो कोटा ग्लेडियर्स ने इस वाले स्टेडियम पे 168 का स्कोर किया है लेकिन लाहौर का इस पर लो स्कोर 118 रहा है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि दोनों ही टीमों का अगर पलड़ा देखा जाए तो कोटा और लाहौर के बीच जो मैच खेला जाएगा लाहौर की तरफ से 10 विकेट गिरे थे, मतलब कहना ये आसान होगा कि कोटा ग्लेडियर्स के बॉलर्स अच्छा खासा विकेट निकालते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाहौर के बॉलर्स विकेट नहीं निकालेंगे, लाहौर के बॉलर्स भी अच्छा खासा विकेट निकालते नजर आएंगे। तो दोनों ही टीमें चूंकि सेम मैचेस नहीं है, दोनों ही टीमों की विकेट गिरती है, लाहौर की भी विकेट गिरती है और कोटा ग्लेडियर्स की भी विकेट गिरती है, तो थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर रन की बात की जाए कि अगर रन कोटा ग्लेडियर्स पहले अगर बैटिंग करने उतरती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है क्योंकि एक ही मैच सेम पिच पे लाहौर ने खेला है और स्कोर काफ़ी लो किया है। तो इस वाले मैच में देखना होगा कि क्या लाहौर बड़ा स्कोर कर पाती है अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो, या फिर सामने वाली टीम बैटिंग फर्स्ट करके बड़ा स्कोर कर देगी और चेस करते हुए अगर लाहौर चेस करती है तो मैच को जीत पाती है या नहीं। और विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इस वाले मैच में दोनों टीम की तरफ से कौन कौन से बॉलर अच्छा खासा विकेट निकालेंगे। ये तो लास्ट के 5 रिकॉर्ड थे, सॉरी 4 रिकॉर्ड थे इस वाले वेन्यू पे, लेकिन अब देखना होगा कि जब दोनों टीमों ने आमने सामने हेड टू हेड मैचेस खेले हैं तो क्या कुछ हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार कि आमने सामने क्या कुछ हुआ है, सेम वेन्यू पे लास्ट 4 मैचेस थे, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं कि दोनों टीम जब आमने सामने खेलती है तो क्या कुछ होता है। दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को अगर देखे जाए ना तो दोनों टीमों ने आमने सामने टोटल 14 मैचेस खेले हैं, वहीं पे अगर कोटा के जीतने की बात की जाए तो कोटा ने 7 बार मैचेस जीते हैं और लाहौर ने भी 7 बार मैचेस जीते हैं। तो दोनों जब आमने सामने खेलती है तो बराबरी पे रहती है। वहीं अगर बैटिंग फर्स्ट की अगर बात की जाए तो लाहौर ने 3 बार मैचेस जीते हैं और कोटा ने 2 बार मैचेस जीते हैं। वहीं अगर सेकंड में बात की जाए बैटिंग सेकंड की तो लाहौर ने 4 बार और कोटा ने 5 बार मैचेस जीते हैं। कोटा ने अपने लास्ट 5 मैच खेले हैं जिसमें 2 जीते हैं 3 हारा है। और वहीं अगर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर ने 3 मैचेस जीते हैं, 1 हारा है और 1 का टाई हो चुका है। वहीं अगर हाई स्कोर बात की जाए आमने सामने तो लाहौर ने कोटा के सामने 209 का स्कोर हाई खड़ा किया है और कोटा ने 207 का स्कोर खड़ा किया है। तो ये तो हेड टू हेड बात थी, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों टीम जब आमने सामने खेलती है, लास्ट के 5 मैचेस खेले हैं तो क्या कुछ हुआ है। दोनों ही टीम की अगर हेड टू हेड को रिकॉर्ड के देखी जाए ना तो सब कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई ये वाला मैच जो है ना मैं ड्रीम इलेवन के साथ साथ
विजन इलेवन पे खेलने वाला हूँ। ड्रीम इलेवन पे हमारी ग्रैंड लिंग की टीम लगती है और साथ ही साथ विजन इलेवन पे हमारी स्मॉल और हेड टू हेड लिंग लगती है, जहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, बहुत कम लोग खेलते हैं और विनिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, साथ ही साथ एंट्री अमाउंट काफ़ी छोटा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि विजन इलेवन पर आकर के अच्छा खासा जीते, तो भाई डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करते ही साइनअप करेंगे तो 500 रुपये साइनअप बोनस मिल जाएगी और डिपॉजिट करके गेम खेलना शुरू करें और जीतना शुरू करें। तो चलिए देख लेते हैं हेड टू हेड रिजल्ट। दोनों टीमों ने लास्ट के जो 5 मैचेस अपने आमने सामने खेले, उसमें लाहौर की अगर बात की जाए तो 143 पे 2 का स्कोर किया था, वहीं कोटा ग्लेडियर्स ने 141 पे 7 का स्कोर किया था। इस पे कोटा ग्लेडियर्स लाहौर के सामने पहले बैटिंग करने उतरी थी और बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, मैच को लाहौर ने जीत लिया था 1। उसके बाद अगर दूसरी वाली बात की जाए तो लाहौर ने पहले बल्लेबाजी किया था, 204 का स्कोर किया था, तो वहीं पे कोटा ग्लेडियर्स ने चेस करते हुए दूसरी बार बल्लेबाजी करते 207 का स्कोर खड़ा कर दिया 3 विकेट के नुकसान पे और मैचेस को अपने नाम कर लिया। तो एक मैच दोनों ने जीते अपने अपने लिए। वहीं पर अगर तीसरे मैच की बात की जाए तो फिर लाहौर ने 140 10 विकेट के नुकसान पर किया था, तो कोटा ग्लेडियर्स ने 158 5 विकेट के नुकसान किया था और ये वाला मैच भी कोटा ग्लेडियर्स जीत गई थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उसके बाद फिर लाहौर ने 179 6 विकेट के नुकसान पे किया था, तो कोटा ग्लेडियर्स ने 178 6 विकेट के नुकसान पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए बनाया था और ये वाला मैच लाहौर अपने नाम कर लिया। तो भाई 4 मैचेस में 2-2 दोनों ने जीते और लास्ट के मैचेस में लाहौर ने 100 पे 2 विकेट किया था और कोटा ग्लेडियर्स ने 98 पे 9 विकेट के नुकसान पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए बनाया था, जवाब में लाहौर ने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया था। तो भाई दोनों टीमों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, तो 50-50 के चांसेस है, ये कहना मुश्किल है कि भाई कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि दोनों टीम बराबर में चलती है। अगर देखा जाए ना तो सेम पिच का 2 मैचेस खेला गया था इस पे, जिस पे कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए लाहौर ने 204 किया था तो कोटा ने 207 कर दिया था। तो भाई इस पिच पे कोटा का तो बोलबाला है लाहौर के सामने। वहीं अगर दूसरा मैच देखा जाए सेम पिच का, तो लाहौर ने 179 पे किया था और कोटा पहले बैटिंग करते 178 6 पे कर पाई थी। तो भाई एक मैच दोनों ही टीमों ने इस वाले स्टेडियम पे एक एक मैचेस खेले हैं और दोनों ही टीम ने एक एक मैचेस को अपने नाम किया है। तो भाई ये वाला मैच ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सोचना ये मुश्किल हो जा रहा है कि बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ले या फिर ओपनर बल्ले बैट्समैन ले या फिर मिडिल ऑर्डर के बॉलर, सारी कुछ जानेंगे कि भाई इस वाले पिच पे क्या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई ये तो हेड टू हेड रिकॉर्ड था, अब दोनों ही टीम के जो रिसेंट प्लेइंग 11 है उसको देख लेते हैं और साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। बाकी जो भी चेंजेस आती है ना वो हमारे टेलीग्राम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और खेलना शुरू करें और जीतना शुरू करें। लाहौर कैलेंडर से अगर बैटिंग लाइनअप को देख ली जाए और साथ ही साथ प्लेइंग 11 को या फिर यूँ कहे कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके रिसेंट फॉर्म को देख ले, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौर कैलेंडर के विकेटकीपर साई होप से, जिन्होंने अपना इस वाले मुकाबले में 2 मैचेस खेल लिया है और अब जो मुकाबला होने वाला PSL 2023 का, उसमें 3रा मुकाबला आज खेलने वाले हैं। तो पिछले वाले मुकाबले में 1 रन किया था, उससे पहले 19, 37, 91 और 33 रन करते नजर आए थे। उसके बाद फकर जमान है जो कि लाहौर कैलेंडर्स के कैप्टन भी है, तो इनका अगर देखा जाए रिसेंट फॉर्म तो 15, 66, 3, 20 और 13 करते नजर आया है। कामरन गुलाम की बात कर लेते हैं, तो कामरन गुलाम ने पिछले वाले मैच में 23 रन, उससे पहले 3, उससे पहले 15, 30 और 20 रन करते नजर आए हैं। उसके बाद मिर्जा ताहिर बेग की अगर बात कर ली जाए उसमें 45 और 32 रन करते नजर आए हैं। उसके बाद सिकंदर राजा को अगर देख लिया जाए ना रिसेंट के 5 मैचेस, तो पिछले वाले में 18 रन किया है, कोई विकेट हाथ नहीं लगी है, उससे पहले 19 किया है, कोई विकेट हाथ नहीं लगी, मतलब पांचों ही मैच में 18, 19, 2, 12 और 17 करते नजर आए लेकिन विकेट हाथ नहीं लगी है। उसके बाद डेविड वाइस की अगर बात कर ली जाए तो पिछले वाले में 9 रन करते नजर आए हैं, उससे पहले 5, उससे पहले 55 के साथ 1 विकेट लेते नजर आए हैं, उससे पहले 11 और उससे पहले 0 रन के साथ 2 विकेट करते नजर आए हैं। उसके बाद हुसैन तलत है, हुसैन तलत का रिसेंट 5 फॉर्म देखा जाए तो पिछले वाले में 2 रन, उससे पहले 20 रन के साथ 1 विकेट किया है, उससे पहले विकेट हाथ नहीं लगी लेकिन रन में 10, 31 और 19 रन करते नजर आए हैं। उसके बाद लियाम डॉनसन है, इनका देखा जाए तो पिछला वाला मैच में रन नहीं हुआ था, 1 रन ही कर पाए थे लेकिन 1 विकेट हाथ जरूर लगी थी, उससे पहले ना तो विकेट हाथ लगी ना ही रन कर पाए, उससे पहले 34 के साथ 1 विकेट लेते नजर आए, उससे पहले 5 के साथ 1 विकेट लेते नजर आए और उससे पहले 6 रन के साथ 3 विकेट लेते नजर आए।
बात कर लेते हैं शाहीन अफरीदी की, तो इनका जो रिसेंट 5 फॉर्म है पिछले 3 मैचेस में एक एक विकेट करते नजर आए, उससे पहले 2 और उससे पहले 4 विकेट करते नजर आए। उसके बाद हरीश रऊप है, इनका अगर देख लिया जाए तो पिछले 2 मैचेस में 1-1 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 1 और 0, मतलब टोटल 5 मैचेस में 3 विकेट लेते नजर आए। और उसके बाद जमान खान है, इनका अगर रिसेंट 5 फॉर्म देखा जाए तो सिर्फ सारे मैच में 1-1 विकेट मिला है, सिर्फ 1 मैच में विकेट इनको हाथ नहीं लगी, तो टोटल 5 मैच में 4 विकेट लेते नजर आए। ये तो था लाहौर कलंदर्स का प्लेइंग 11 जिसके साथ टीम उतरेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए, जिसका कि अगर डिटेल्स आपको जानना है तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहां पे जल्दी से जाए ज्वाइन कर ले ताकि आपको फुल डिटेल्स मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कोटा ग्लेडियर्स के प्लेयर्स की टीम 11 की और साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म की। कोटा ग्लेडियर्स के प्लेयर्स की अगर रिसेंट फॉर्म की अगर बात कर ली जाए और साथ ही साथ टीम 11 की, तो कुछ इस प्रकार से होने वाला। सरफराज अहमद विकेट कीपर में आएंगे, जिनका कि पिछला मैच काफी इंपोर्टेंट रहा, उसमें 39 रन करते नजर आए, उससे पहले 5, 2, 0, 8 और 8 रन करते नजर आए। सरफराज अहमद की अगर बात की जाए ना तो इस वाले स्टेडियम पे अच्छा स्कोर होता है, पिछला मैच भी इसी स्टेडियम पे खेले और अच्छा खासा स्कोर करते नजर आए। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल है, जिनका कि रिसेंट 5 फॉर्म देखा जाए तो पिछले वाले में 12, उससे पहले 117, 7 और 1 और 8 करते नजर आए। इफ्तिकार अहमद की बात की जाए तो पिछले वाले में 50, 32, 0, 51 और 10 रन करते नजर आए। जेसन राय का अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 14, 0, 27, 61 और 8 रन करते नजर आए। अब्दुल बांग्ला जाय की अगर बात की जाए तो 0, 0, 1, 8 और 27 करते नजर आए। उसके बाद मोहम्मद नवाज है, जिनका कि 2 रन के साथ 1 विकेट था, उससे पहले 3 रन के साथ 1 विकेट था, उससे पहले 14 के साथ कोई विकेट हाथ नहीं लगी थी, उससे पहले 1 रन के साथ 1 विकेट और उससे पहले 17 के साथ 0 विकेट था। उसके बाद मोहम्मद हफीज है, जिनका कि पिछले वाले मैच में ना तो बॉलिंग से विकेट कर पाया और ना ही बैटिंग से रन कर पाया, उससे पहले 18 रन के साथ 0 विकेट, उससे पहले 69 के साथ 2 विकेट, उससे पहले 28 के साथ 0, उससे पहले 0 के साथ 1 विकेट करते नजर आए। उसके बाद नसीम शाह है, नसीम शाह का अगर रिसेंट 5 फॉर्म देखा जाए तो पिछले 2 मैच में 1-1, उससे पहले 0, 1 और 2 विकेट करते नजर आए। मोहम्मद हसनैन को अगर देखा जाए तो पिछले 2 मैच में 3 और 2 विकेट करते नजर आए, लेकिन उससे पहले 3 मैच में 0-0 विकेट करते नजर आए। उसके बाद कायस अहमद है, इनका देखा जाए तो पिछले 2 मैचेस में 1-1 विकेट, उससे पहले 2, 0 और 1 करते नजर आए। उसके बाद ओडियन स्मिथ है, ऑलराउंडर्स है, इनका पिछला मैच 25 के साथ 0 विकेट था, उससे पहले 1 रन के साथ 0 विकेट था, उससे पहले 7 रन के साथ 2 विकेट, उससे पहले 17 के साथ 0, उससे पहले 1 के साथ 2 विकेट करते नजर आए। तो ये कोटा ग्लेडियर्स की टीम थी, जिनका कि टीम 11 सेम यही होने वाला है, अगर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो स्टेडियम है ना, कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले इस वाले स्टेडियम पे, कि जो प्लेयर्स इस वाले स्टेडियम पे अच्छा करने वाले हैं उनमें अगर देखा जाए तो लाहौर की तरफ से फकर जमान है, उसके बाद मोहम्मद हफीज है, अब्दुल शफीक है, ये अभी तक नहीं खेले हैं मैच, लेकिन चांसेस है कि किसी को रिप्लेस करके अब्दुल शफीक को लाया जाएगा, क्योंकि इनका इस वाले स्टेडियम पे काफ़ी अच्छा फॉर्म होता है। उसके बाद शाहीन अफरीदी है, हरीश रऊफ है और जेड खान है। तो ये जो 5 प्लेयर्स हैं ना लाहौर की तरफ से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और उसके बाद अगर कोटा ग्लेडियर्स की बात की जाए तो एहसान अली है, इन्होंने भी मैच नहीं खेला है लेकिन लग रहा है कि इस वाले मैच में खेलते नजर आएंगे। उसके बाद सरफराज अहमद है, मोहम्मद नवाज है और मोहम्मद हसनैन है और नसीम शाह है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छे पिक होंगे अगर आप टीम 11 बनाते हैं तो। बाकी जो हमारा टीम 11 होने वाला है, हमारी जो टीम होने वाली है, वो आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी फाइनल टीम, जब लाइनअप आ जाएगा। बाकी जिन प्लेयर्स को अनाउंस किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर ले और जीतना शुरू करें। साथ ही साथ विजन 11 को डाउनलोड करें और खेलना शुरू करें, जीतना शुरू करें।